और महाराष्ट्र में एंट्री के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों में गिर गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने राहुल गांधी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अनादर करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालेगांव में राहुल गांधी की यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास से गुजरती दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता राम कदम का आरोप है कि राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वंदन नहीं करके उनका अनादर किया है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी तथा कांग्रेस दल का छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अनादर देखें मालेगांव का है। क्या ये इस कारण राहुल गांधी ने हमारे शिवाजी महाराज को वंदन नहीं किया या वंदन करने से कुछ वोट कटेंगे, इस कारण क्या कारण था, इन कांग्रेस के लोगों के साथ महाराष्ट्र हिसाब चुकता करेगा। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्योंकि महाराष्ट्र में दाखिल हो गई है और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन राम कदम जो बीजेपी के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की आप प्रतिमा के पास से गुजर रहे हैं तो ये आपको करना चाहिए था कि आपको वंदन करना चाहिए था, रुक कर नमन उनको करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, ये अनादर आखिर क्यों। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी नेता राम कदम पर राहुल गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हर विषय में केवल राजनीति करनी आती है। राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही, उस यात्रा को लेकर इतने डरे हुए हैं कि कैसे न कैसे राहुल गांधी की छवि इनको खराब करनी है, कोई भी अनर्गल आरोप उन पर लगाने हैं ताकि उनको एक प्रकार से देश विरोधी राज्य विरोधी घोषित किया जाए। ऐसा नहीं है भाई, राहुल गांधी जी समय समय पर जब भी महाराष्ट्र आते रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। और बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों का यह दावा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16 और एलजेपी रामविलास पासवान की वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान को मिल गई है, जिसके लिए वो लगातार बीजेपी के संपर्क में भी थे, वो यहां से चुनाव भी लड़ेंगे। जबकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के लिए एनडीए में अलग फॉर्मूला तय है, जिसके तहत उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो ये तय हो गया। अब ग्राफिक्स देखिए, बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, एलजेपी 5 सीटों पर, हम एक सीट पर और आरएलएसपी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये हमने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन आज इसका आधिकारिक ऐलान भी संभवतः कर दिया जाएगा। तो बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो ये तो आपके सामने आ गया। सूत्रों का यह दावा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका ऐलान आज औपचारिक कर दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की थी और इसके बाद मीडिया को सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी भी साझा की। गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं।
हाजीपुर लोकसभा सीट जिसके लिए चिराग पासवान लगातार बीजेपी से बात भी कर रहे थे और बात बनती दिखाई भी थी, और इसके बाद अब वहां जश्न का माहौल है कि चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समर्थकों में जश्न का माहौल है। चिराग पासवान अपने पिता की सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। हाजीपुर सीट से अभी उनके चाचा पशुपति पारस मौजूदा समय में सांसद हैं, लेकिन गठबंधन के तहत ये नया समीकरण निकल कर आया कि चाचा जी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा और इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे उनके भतीजे चिराग पासवान। रामविलास पासवान कभी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और अब उनके बेटे इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। बिहार के बाहुबली नेता हैं आनंद मोहन, पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और बुधवार देर रात को आनंद मोहन और अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ सीएम आवास पहुंचते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि इस मुलाकात की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग और कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो आनंद मोहन, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा किरदार उस समय भी जब आरजेडी ने सभी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी अपने घर में, तेजस्वी यादव ने की थी। उस दौरान भी जब इनके बेटे अंदर थे तो उनके बेटे के लिए किस तरीके से लिखा गया था कि इनके बेटे को जबरदस्ती वहां पर रखा गया है। तो आनंद मोहन की ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस वक्त, क्योंकि गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय है। अब कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों हुई है, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो यही मानकर चल रहे हैं कि गठबंधन के लिए या सीट शेयरिंग या तमाम ये जो चीजें हैं जो अभी लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी हैं उसको लेकर बातचीत या चर्चा संभवतः हुई होगी इस मीटिंग में। बाहुबली नेता आनंद मोहन ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की देर रात। आनंद मोहन और अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मुलाकात उनकी हुई है, और लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों का यह दावा है कि इनमें कई नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जेडीयू से अशोक चौधरी, जमा खान, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी और शीला मंडल जयंत राज्य मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ बीजेपी के कोटे से मंगल पांडे, नितिन नवन और प्रमोद कुमार के साथ कुछ और नए चेहरे आपको मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई दे सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को भी एक और मंत्री पद मिल सकता है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और को जो है और संभवतः मंत्रियों की सूची जो है राजभवन भेज दी गई है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जेडीयू कोटे से कौन कौन संभावित विधायक शपथ आज ले सकते हैं। ये देखिए, जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री हैं अशोक चौधरी, रत्नेश दादा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सैनी, शीला मंडल, जयंत राज। ये कुछ नाम है जो रिपीट भी हो सकते हैं। और इसके साथ में बीजेपी के कोटे से कौन कौन होगा वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के कोटे से कौन कौन संभावित मंत्री हो सकता है। ये बीजेपी के कोटे